अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। अरे एक फोर्स का पैकेट देना। ये ले बाबू, यही गाड़ी से है क्या बाबू? हाँ नहीं भाई, रास्ते में हूँ, गाड़ी छूट गई। जाना कहाँ बाबू? बम्बई। बम्बई कहाँ शहर है बाबू? एक बार हम वहाँ गए रहे, हमारे मामा के वहाँ पान की दुकान है। ओए पन्नालाल, बनारसी 120 6 पान बांध देना। हाँ दे दे बाबू। ये ट्रक बम्बई जात है, आप जाइए बात कर लीजिए। अरे भाई साहब। बोलो। गाड़ी छूट गई है, बम्बई जाना है। बैठ जाओ, 30 रुपए लगेंगे, आधा जल्दी नाल। ठीक है। आराम आरो। अरे भाई क्या हुआ? सारी पहनना अचार, एक्सल टूट गया, छुट्टी हो गई। लेकिन मेरा क्या होगा? तेरा क्यों होएगा? इतने 60-70 हो गया, तेरा क्यों होएगा? वो काटा पाउदा डैची फड़ाया नू ए फड़ बम्बई 20 मील है, तुर जा सीधा, तेरा की होएगा? वो काटा जाएगा ला जाएगा तेरे तुर के। साला 20 मील चलना पड़ेगा। चल बेटे प्रताप श्रीवास्तव, और कोई रास्ता नहीं। मुझे हर नई डगर बंजारा मैं नहीं मगर, मुझे हर नई डगर बुलाए अपनी वो, और मैं चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं, बंजारा मैं नहीं मगर मुझे हर नई डगर बुलाए अपनी हो, और मैं चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं। Thank you.
Shut up. बात है। नील गगन सी ऊंची ऊंची मेरी मंजिल है, पंख बिना उसे छूना मुश्किल बड़ा मुश्किल है, ऊंचे ऊंचे इरादे हैं मेरे अपने ही संग वादे हैं मेरे, मैं कोई बंजारा तो नहीं मगर मुझे हर नई डगर बुलाए अपनी ओर, और मैं चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं। हसी राहों का बस एक नजर देखूं, फुर्सत कहां मुझे इतनी जो ठहर ठहर देखूं, हुस्न हसी राहों का बस एक नजर देखूं, फुर्सत कहां मुझे इतनी जो ठहर ठहर सीने में, एक अजब सा नशा है इस हाल में जीने में, अभी तो सफर शुरू ही किया है रुकना नहीं ये सोच लिया है, मैं कोई बंजारा तो नहीं मगर मुझे हर नई डगर बुलाए अपनी ओ, और मैं चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं चलता ही जाऊं बस चलता ही जाऊं। सुनिए ए मिस्टर, आपने सुनने को कहा मैंने सुन लिया। मेरी गाड़ी खराब हो गई। बड़ी बदतमीज गाड़ी मालूम होती है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको गाड़ी के बारे में कुछ मालूम है? जी हाँ मालूम तो है। तो मेरी मदद कीजिए ना। क्यों करूँ आपकी मदद, आपने की थी मेरी मदद, जूम करके शट अप बोल के तो निकल गई। ठीक है मैं किसी और से करवा लूँगी। घर रोने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मैम साहब, 50,000 की गाड़ी के साथ 5 पैसे की अकल भी रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक हो गई। चलिए स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट हो गई ना? सारी फिर छोड़ देगी। अरे भगवान करे तेरी गाड़ी फिर से खराब हो जाए, फिर बनवा लाना। आइए बैठिए। मैं तो समझा था फिर से झूल लेकर निकल गई। इरादा तो यही था जी। आइए बैठिए। कहाँ जाएंगे आप? बोरीवली भाईदास रोड आशा मंजिल। ठीक, बड़ी गंदी बस्ती है। अरे जिंदगी भर थोड़ी उसी जगह पे रहना है। अच्छा बम्बई में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मालेबा हिल। कुछ दिनों बाद अपना भी फ्लैट होगा उसी जगह पे। जी चलिए। Thank you.
ये लीजिए, आपकी आशा मंजिल आ गई। थैंक यू। अरे मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। चल जाइए, हम दोबारा थोड़ी मिलने वाले हैं। अरे भाई ये गोपाल माथुर साहब कहाँ रहते हैं? वो उधर सामने वाला। उधर? गोपाल? गोपाल है? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? कह दिया ना नहीं है। क्या काम है? ये आपके लिए नहीं है। भैया स्टेशन गए अपने किसी दोस्त को लेने। वो दोस्त मैं ही हूँ। आप? जी। सॉरी पहचाना नहीं, अंदर आइए। वैसे तो आप मुझे मुंह जबानी याद है। आप अरहर की दाल बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बगार लहसुन का हो। आप 72 से लेके 75 तक स्टेट स्विमिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। आपको बसंती रंग बहुत पसंद है। भैया से तो आपकी बातें सुन सुन कर बोर हो चुकी। गोपाल ने ठीक लिखा था, तुम बोलती बहुत हो। अच्छा ये सूटकेस भाग जाता है क्या? क्यों नहीं? तो फिर पकड़ी क्यों खड़े हैं? रख दीजिए और बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आपको अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है ना? अरे तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। आया आया, लगता है उसे गाड़ी का कनेक्शन नहीं मिला। नहीं आया लंबू। अरे साले, मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ और तू कह रहा है कि मैं नहीं आया। तू अपने आप ही पहुंच गया। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास लग रहा है यार। इस वॉकी टॉकी से तो मिले होगे ना? अरे जैसे छुरी लेकर निकली ना, मैं तो पहचान गया, ये माया के सिवा कोई हो ही नहीं। हमेशा चाकू लिए घूमती रहती है। चाकू जरा बचा के पहनिया। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, दयाल काका से मिलकर इसके कमरे का सब फिट करा लूं, और रात के खाने में अरहर की दाल जरूर पकनी चाहिए। चल। अच्छा सुन, अभी दयाल काका जो भी किराया मांगे चुपचाप मान लेना। अरे रे बाद में मैं पटा लूंगा उन्हें। चल अपने आदमी है दयाल। यार तू जा कर रहा है? अरे ये सामने वाले का दयाल काका। काका चलो आओ गोपाल आओ। अरे ये है प्रताप, अगर सलाम करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने कहा नहीं था काका बहुत अच्छा लड़का है? अरे कहा तो था, पर तुम्हारे कहे का क्या है? तुम तो दारू के नशे में 50 बार हमें प्रधानमंत्री बना चुके हो। अरे काका वही तो एक वक्त होता है जब हम राजा होते हैं और राजा को प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती ही है। 70 रुपए किराया, 3 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने की पेशगी, कुल मिला के 280 रुपए होते हैं। ठीक है ये लीजिए, ये 300, 20 अगले महीने के किराए से कर लेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा काका हम चलते हैं। अच्छा ये आज रात को अपना सामान ले आएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा यार चल, अब जरा बैठ के एक एक चाय मारा है। चलो क्या है कि माया के सामने खुल के गाली नहीं दे सकते ना। तू मुझे गाली देगा? हाँ तू ना, तो हम भी देंगे। चलो देखते हैं। अन्ना साहब ना बहुत अकड़ू आदमी है, जरा ठीक से बात करना उससे। चल मैं तेरे को उसका ऑफिस बताता हूँ, यही है। वो सामने खन्ना साहब का ऑफिस, जा मिल ले। कैंटीन में आ जाना। हाँ खन्ना साहब हैं। टाइम लिया है क्या? बकवास मत करो, जाओ तो क्या। जाओ जाओ नहीं जाइए। जाइए गुड मॉर्निंग सर। यस खन्ना हियर। हाँ मिस्टर सिन्हा। अरे नहीं साहब, डिस्पैच बोर्ड तो कब की जा चुकी है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर। और सुनाइए, हाउ इज योर वाइफ? हाँ मेरी वाइफ को मिली थी। अरे वही किटी पार्टी में, मेरी वाइफ तो फ्लाइट हो गई उन पर। बाय द वे मिसेस खान भी थी वहां पे, लेकिन माफ कीजिएगा साहब, मिसेस खान कुछ जमी नहीं उनको। जी हाँ जी हाँ। अजी साहब मैं कहता हूँ मिसेस खान मिसेस सिन्हा से बहुत अच्छी है।
अगर आप कहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बयान दे दूं। सर क्या सर कर रहे हो, देखते नहीं कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? अरे नौकरी करनी है तो नौकरी करना सीखो, समझे? सॉरी सर। क्या नाम है तुम्हारा? बिहारी लाल खन्ना। बैड नेम, वेरी बैड नेम। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ भाई, मेरे हो क्या? जी क्या नाम है तुम्हारा? पीके श्रीवास्तव सर। मैनेजिंग डायरेक्टर के रिश्तेदार हो? जी नहीं, प्रसाद अंकल एमडी साहब मेरे पिताजी के दोस्त हैं, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पहले कहीं काम कर चुके हो? जी श्यामनगर टूल फैक्ट्री में काम करता था। तो छोड़ क्यों दिया? वहां कोई फ्यूचर नहीं था। और राम प्रसाद अंकल, एमडी को बार बार अंकल कहने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ रिश्ता नहीं काम देखा जाता है, समझे? जी सर। कबीर साहब को बुला के राम के पास ले जाओ। थैंक यू सर। सुनो, मेहनत से काम करना, बुला के राम बहुत सख्त आदमी है। प्रताप कुमार श्रीवास्तव, बहुत खूब श्रीवास्तव हो तुम, और मैं त्रिपाठी हूँ, और मुझे तुमसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई। हाँ दो चार दिन काम करता हुआ देख लूंगा, फिर बताऊंगा खुशी हुई या नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? जी बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत रोब पड़ गया मुझ पर। और दूसरा रोब ये छाड़ोगे कि तुम्हारे पिता मैनेजिंग डायरेक्टर के दोस्त हैं। मगर कान खोल के सुन लो, बुलाकी राम त्रिपाठी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, समझे? यस सर। व्हाट? यस सर नो सर, दिस यस सर नो सर खन्ना साहब के ऑफिस के लिए संभाल के रखना। हम त्रिपाठी जी कहे जाते हैं। प्रजातंत्र का ये मतलब तो नहीं कि हम अपने आप को ब्राह्मण कहने में शर्माए। अरे लाला जी, त्रिपाठी जी इनको भट्टी नंबर 4 में ले जा। जी आइए। थैंक यू सर। जी त्रिपाठी जी। चलिए चलिए। जय राम कृष्ण हरि बलराम जी, आज की ताजा खबर सुनिए। ये है आपके नए सुपरवाइजर श्री प्रताप कुमार श्रीवास्तव, और ये है श्री भोलूराम जी आपके प्यादे। मेरा मतलब असिस्टेंट, मिलिए। नमस्ते। यहाँ पोरिंग सिर्फ बकेट से होती है क्या? बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। क्या कर रही हो उस टाइम? वही जो आप कर रहे हैं, घर जा रही हूँ। मैं पवेली के पास एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। अंधेरे तक फैक्ट्री की बस आती है, उसके बाद मैं यही लोकल पकड़ती हूँ। एक दिन आपको पवेली के लिए चलूंगी, फैंटास्टिक जगह है। अरे सीधे खड़े नहीं हो सकते, धक्के क्यों मार रहे हो? और धक्कों में डर है ना, इसको अपनी कार में ले जाया करो। वो भी ले चलूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें जरा सीधा खड़ा होना सिखा। चला छोड़िए ना, बेकार का झगड़ा कर दिया। अच्छा बताइए, फैक्ट्री में पहला दिन कैसा गुजरा? सो सो, फोरमैन पान ज्यादा खाता है, काम नहीं करता। अच्छा, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो आपने उम्मीद ही कैसे की कि फोरमैन काम भी करेगा? इस देश में लोग काम नहीं करते। स्टेशन आ गया लगता है, आ जाओ। अरे वाह भाई वाह, खाना खा के तो मजा आ गया। अरे माया तो रसोई की आर्टिस्ट निकली है। और क्या? अच्छा ये बता, हाँ यहाँ वक्त कैसे कटता? यहाँ वक्त नहीं कटता, यहाँ सिर कटता है, हाथ कटता है, जेब कटती है। एक मिनट, तू कहीं यूनियन का लीडर बेटा तो बन नहीं गया? ये भाषा तो वहीं की लगती है। ये तो मुश्किल है, इनके यूनियन के लीडर कॉमरेड लोबो ने गलती से इन्हें एक रैली का प्रेसिडेंट बना दिया था। तब से इन्हें जब भी मौका मिलता है इस भाषण की लाठी को घुमाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर गोपू, आप नहीं सुधरेंगे, कॉलेज में अपनी तकरीरों से बहुत बोर किया करता था, अभी आप तो जाने दे। अच्छा ये बता, तेरी सिविल वाइफ कैसी? सिविल वाइफ? हाँ, अरे कॉलेज में मशहूर हो गया था कि मिस्टर गोपाल ने अपने मैंडोलिन से सिविल मैरिज कर धूल खा रही है बेचारी चारपाई के नीचे। ऐसा माया, जरा बेचारी को बाहर निकालना, एक जमाना हो गया हुल्लड़ मचाए हुए। ये तो सही है, चल बाहर बैठते। चल
लिए विश्वास लिए मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे एक आस लिए विश्वास लिए मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे जिसे आस न हो जिसे आस न हो विश्वास न हो वो क्या ढूंढे कहाँ ढूंढे आस लिए विश्वास लिए मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे सिलसिले वो क्या करे जिससे मंजिल मिलके भी ना मिले यूं भी होता है जीवन में रहता जो छूटा मन में मेरे साथ ही मिल जाता है बिना जन्मे एक आस लिए विश्वास लिए मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे से जुड़ा दुख है दुख का अपना सुख है मेरे साथी सब कुछ न मिले यहाँ एक आस लिए विश्वास लिए मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे विश्वास लिए मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे मेरा मन मंदिर के निशान ढूंढे यार तू चाय पीते वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों देता है बे आवाज नहीं पी सकता अरे बे आवाज पीऊंगा तो यकीन कैसे आएगा कि चाय पी रहा हूं आवाज ही तो असल चीज है बेटा कॉमरेड लोबो का कहना है हम लोगों के पास तो बंदूक तो है नहीं बस आवाज है इसलिए जब भी मौका मिले आवाज करो ये कॉमरेड लोबो क्या चीज है अभी मिलाता हूं आते ही होंगे बहुत इंटरेस्टिंग मैन हे कॉमरेड कॉमरेड क्या है हेलो हेलो कॉमरेड कॉमरेड ये प्रताप है प्रताप कुमार श्रीवास्तव हेलो हेलो माय वेरी डियर फ्रेंड यूनियन के मेंबर बना है अरे कल ही तो आया है कॉमरेड बना देंगे मेंबर भी हमारे फैक्ट्री कैसा लगा मिस्टर प्रताप बस श्याम नगर फैक्ट्री जैसी है
यहाँ काम करवाने वालों का ध्यान पान की तरफ ज्यादा। मशीनें गदर के जमाने की हैं। नो थैंक यू। मारे लोग कार तो हर साल बदल देते हैं, लेकिन मशीनें वही खटारा। कॉमरेड सेठ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ना लपक कर नहीं लेता। नहीं नहीं यहाँ नहीं। अगर खन्ना और बुला के नाम ने तुझे सेठ जी से यहाँ मिलते देख लिया समझेंगे मस्का मार रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तू घर पे मिलना उनसे। जब उन्हें ये पता चलेगा कि प्रसाद जी के घर तेरा आना जाना है तब वो तुझसे डरेंगे। आइए साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं साहब को खबर करता हूँ। क्या नाम बताया आपने? प्रताप कुमार श्रीवास्तव। अच्छा जी, जी मैं ये मकान खरीदने आए हैं। जी आप तो मालेबा हिल पे फ्लैट खरीदने वाले थे ना? अच्छा, तो उस रोज की बात आप अभी तक भूली नहीं। मैं प्रसाद जी से मिलने आया था। लेकिन आप? मैं प्रसाद जी की बेटी हूँ, इंद्रानी। ओ आई सी। मैं प्रताप श्रीवास्तव, आपके डैडी के पुराने दोस्त का बेटा। कमाल है, इतनी सी उम्र में आप मेरे डैडी के पुराने दोस्त के बेटे भी हो गए। बड़े होकर तो आप ना जाने क्या क्या होंगे। एनीवे, आपसे मिलकर, नहीं नहीं जरा ठहरिए, पहले ये बताइए कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी होनी चाहिए या छोटी? मेरे ख्याल से मंझली खुशी ठीक रहेगी। आपको साहब ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी। आओ प्रताप। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राम, चाय ले आओ। अच्छा जी। कब आए तुम? तीन चार दिन में। पिताजी कैसे हैं? ठीक हैं सर। भाई तुम्हें हमारी फैक्ट्री कैसी लगी? ठीक है सर। ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग सर, मेरा ख्याल था इससे कहीं बेटर होगी। बेटर? वो कैसे? मैंने सोचा था मशीनें ऑटोमेटिक होंगी, एकदम मॉडर्न। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो, कोई इंप्रूवमेंट प्लान, तो मुझसे खन्ना से डिस्कस कर लो। हाय डैड। और इंद्रानी बेटे आओ, बेटे इनसे मिलो। ये यू लेट डैड, इनसे मिलके मुझे मंजली खुशी हो चुकी है। मंजली क्या मतलब? मतलब आप इन्हीं से पूछ लीजिए। सर ये तैरती बहुत अच्छा है। भाई नेशनल चैंपियनशिप के ख्वाब देखने वाली लड़की को अच्छा तैराक तो होना ही चाहिए। आप नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहती हैं? आपको इतराज हो तो नहीं लेती हिस्सा, क्यों डैड? नॉटी गर्ल। बेटे बुरा ना मानना, जो लोग इसे अच्छे लगते हैं ना, उनके साथ छेड़छाड़ करने में से बड़ा मजा आता है। नहीं सर, बुरा नहीं मानूंगा। यार भी दारू वारू का मूड है, लेकिन पैसे नहीं प्यारे, जेब खाली। फिर कुछ नहीं। ओ लंबू, वो छुट्टी हो गई यार, चल। जानता हूँ। अरे ये फैक्ट्री जिन लोगों की है वो काम के नाम पर दक्षिणा तो दे देते हैं मगर ओवर टाइम नहीं मिलता। मैं ओवर टाइम नहीं मांग रहा हूँ दोस्त। अरे तो फिर ये काम क्यों कर रहा है टाइम खत्म होने के बाद? मैं ये सोच रहा था कि पुरानी मशीनों का सुधार कैसे किया जाए। ओ अच्छा अच्छा, हाँ पहले डेढ़ साल तक मैं भी यही सोचता था, तू शायद दो एक साल ज्यादा सोच लेगा। मगर मैं ये सोच रहा हूँ यार लंबू, मेरी जेब खाली है यार। तुझे तो मालूम है पैसे के पेड़ पर महीने में एक बार फूल आते हैं। कितने पैसे चाहिए? दे जितना है दे दे थोड़ा। चले
अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू. मैं पहली तारीख को लौटा दूंगा जरूर डेफिनेटली. प्रताप जी मेरी जेब भी है खाली. चल लाला मेरे पास बहुत पैसे हैं. अबे ठहर मैं भी आता हूँ. ओ बुला करम जी क्या करो भाई. सर देखिए ना ये पिघला हुआ लोहा सांचे तक लाने के लिए दो आदमी लगते हैं जो खतरनाक भी है और टाइम भी ज्यादा लगता है. अगर ये लोहा ट्रॉली से यहाँ तक लाया जाए तो खतरा भी कम है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता. उसी ट्रॉली का डिजाइन बना रहा था. तुम यहाँ क्या करने की तनख्वाह पाते हो जी? तुम यहाँ बैठ के ख्याली पुलाव पकाने की तनख्वाह लेते हो. अगर यहाँ काम करना है तो सीधे वो काम करो जो तुम्हें दिया जाता है. मैं खन्ना साहब से शिकायत करूंगा कि तुम वर्किंग आवर्स में प्राइवेट काम करते हो. ये सब काम करना है तो सीधे घर जाके करो समझे. घर के लौंडे ठिकाने आएंगे. अरे आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था. घर जाने का मूड नहीं था. अजानी ये दो टके के आदमी कुर्सी पर बैठकर दूसरों की इज्जत करना भी भूल जाते हैं. मैं तो खून खोल रहा है. खून खोलने से कोई फायदा नहीं. उसकी तो चाय भी नहीं बनती. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आदमी की कीमत उसकी कुर्सी से लगाई जाती है. चलिए खुली हवा में चलकर अपना खून ठंडा कर लीजिए. तुम उस दिन काउंसिलर की बात कर रही थी तुम्हारे ऑफिस के पास. चलिए वहीं चलते. अरे ये तो सचमुच कमाल की जगह है. मैंने तो पहले ही कहा था. चलो फिर वोटिंग करते हैं. वोटिंग कैसे कर सकते हैं? क्यों ना तो आप यहाँ के मेंबर हैं ना मैं. और देखते हैं. भाई साहब जी थोड़ी देर वोटिंग कर सकते हैं? आप यहाँ के मेंबर हैं सेठ? जी हाँ. ये है मेरा कार्ड लो. ठीक है आप वो वोट ले लीजिए. अगर वो आदमी पैसे नहीं लेता तो? अरे लेता कैसे नहीं. अच्छा अब ये बताइए आप इतने अपसेट क्यों थे? अपसेट ना हूं तो क्या करूं? अरे ये खन्ना और बुला किराम डिग्री लेने के बाद कोई किताब या जर्नल पढ़ा होगा. दुनिया कहां बढ़ गई है और ये जाहिल लोग. अरे मैनेजर होने का मतलब ये तो नहीं कि आप किसी की भी बेइज्जती करते रहे. अरे मेरा बस चले तो क्या कसम खा दूं. अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं गिर जाती तो क्या होता? होता कुछ नहीं सिर्फ डूब जाती. तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं. ओह आई एम सॉरी. गोपाल मैं पूछता हूँ तुम दारू ही पीते रहोगे या माया के बारे में भी कुछ सोचोगे? क्या हुआ माया को? अरे बड़ी हो गई है ना. सारा अपनी समझ में नहीं आता कि गरीब की बहन बड़ी क्यों हो जाती है. अरे अब तो हो गई है ना. छोड़ी तो की नहीं जा सकती. मेरी मानो तो लड़का घर में ही है. वो प्रताप है ना उससे उसकी शादी कर दो. काका माया चिराग के तले का अंधेरा है. प्रताप को माया दिखाई नहीं देती. वो तो चांद सितारे खोज रहा है. चांद सितारे. अरे तुम सोए नहीं अभी तक? क्या अकेले आप ही को जागना आता है? मैं जाग नहीं रहा हूँ काम कर रहा हूँ. देख रही कब तक कीजिएगा काम? पता नहीं. अपनी फैक्ट्री में मुझे भी कोई काम दिलवा दीजिए ना. क्यों जो काम कर रही हो उसमें क्या बुराई है? काम तो बुरा नहीं है लेकिन बॉस बहुत बुरा है. हर वक्त मुझे देखता रहता है. खूबसूरत लड़कियों को सभी देखते हैं. तो फिर आप क्यों नहीं देखते? अरे वाह देखता कैसे नहीं रोज देखता हूँ. जब तुम सवेरे चाय लाती हो फिर हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं. अरे ये क्या कर रही हो? बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ. काम नहीं कर रहा है जक मार रहा है. अरे यार तू तो पिता भी नहीं है तो
तू इतने आज तक क्यों जागता है? बता। अरे सारा क्या ले रही हूँ मैं, क्या नशे में हूँ? वैसे आज थोड़ी ज्यादा बेकार की बात सोच, ये साला दिमाग सोचने से बाहर ही नहीं आता। ये आमदनी इतनी हो जाए तो ये कर दू, आमदनी उतनी हो जाए तो वो कर। तू क्या अड्डे से आ रहा है? यार अच्छा भला बड़ा पिया था, बैल काका ने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या हुआ ये तो बता। क्या हुआ क्या, आके और बैठ के बोलने लगे माया बड़ी हो गई है, अब कोई अच्छा लड़का ढूंढ के उसके हाथ जो है पीले कर दो। मैं कहां से हाथ पीले करूं? हाथ पीले करो, मेरी क्या मुहर मिलती है? मेरी क्या पेड़ क्या सलाह, मेरा रिश्तेदार लग रहा है? तू ही बता प्रताप, तू ही बता प्रताप, बता तू कैसे बताएगा? तू तो किसी बहन का भाई नहीं है जो बड़ी हो गई है। चल मैं चलते हैं यहां तो ये अपनी लकीरों में फंसा हुआ है। चल ये डिजाइन तुमने बनाया? जी सर। डिजाइन बहुत अच्छा है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। और देखो तुम अपने काम से मतलब रखो, इन बातों में वक्त खराब करने से कोई फायदा नहीं। फैक्ट्री की भलाई सोचना क्या मेरा काम नहीं है सर? तुम कौन हो तो फैक्ट्री की भलाई भलाई सोचने वाले? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं इस काम के लिए। अगर तुम मैनेजिंग डायरेक्टर की सिफारिश लेकर नहीं आए होते तो मैं इसी वक्त डिसमिस कर देता। क्यों मैं कौन आऊं? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बुला के राम, प्रताप कुमार श्रीवास्तव तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे। मैंने उन्हें डांट दिया और उनका डिजाइन फाड़ कर फेंक दिया। बहुत अच्छा किया सर, इस लौंडे से बहुत ही होशियार रहने की जरूरत है सर। क्या हुआ? ए लंबू कहाँ भागा जा रहा है यार? कन्ना ने क्या कहा? साले ने प्लान फाड़कर रत्ती की टोकरी में डाल दिया। मैं भी साले को देख लूं। अरे क्या प्रताप, खन्ना की बात अभी तक सोच रहा है? अरे सोच मत सोच मत, मैंने बहुत देखा है सोचकर कोई फायदा नहीं होता। तेरे में खराबी क्या है गोपाल जानता है तू? तू कड़वा हो गया। अच्छा, और तेरे में दूसरी खराबी यह है कि तू हार गया। अच्छा हाँ। तो तुम जीत के दिखा दो। दिखाऊंगा गोपाल, एक दिन जरूर दिखाऊंगा। ये खन्ना जो आज मेरा सलाम नहीं लेता ना, एक दिन साला झुक झुक कर मुझे सलाम करेगा। ये गुलाकी राम जो आज बात बात पर मुझ पर करता है, साला एक दिन मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। वेरी गुड, और क्या होगा? और इसी शहर में मेरा 10 बेडरूम का बंगला होगा, सामने पर्शियन कारपेट की तरह बिछा हुआ लॉन और उसके चारों तरफ फूलों के घर। आंख खुल जाए तो मेरे कमरे में नाश्ता करने चले आना। ये तो जो मजाक लग रहा है ना गोपाल, ये मजाक नहीं है गोपाल, एक दिन मैं ये सब कुछ तुझे सच करके दिखाऊंगा। मगर कैसे लंबू कैसे? कैसे, ये देख, स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप होने जा रही है जिसमें प्रसाद जी चीफ गेस्ट होंगे और मैं उस कंपटीशन में डाइव मारूंगा। Thank you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले को इनाम दिए जाएंगे। फर्स्ट प्रताप श्रीवास्तव। शाबाश लम्बू, शाबाश जी हो यार। वेल डन माय बॉय, वेल डन। लो बेटे। यू वर वंडरफुल प्रताप। थैंक यू जी। खुश हो गया? बड़ी खुशी है छोटी। ये क्या, कंपनी नहीं जाना? नहीं, और तुम भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आज मेरी माया का बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। इस खुशी में आज रात का खाना मेरी तरफ से कॉपचिंगी में। जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों भाई? क्योंकि आज का खाना यही होगा और मैं पकाऊंगी, और जो पेट भर के नहीं खाएगा उससे मैं जीवन भर बात नहीं करूंगी। वेरी गुड, तब तो मैं पेट भर के नहीं भर पेट खाऊंगा। मैं कम इन सर। आओ बेटे। गुड डे सर। अरे गुड डे तो ठीक है, लेकिन सर सर क्या लगा रखा है? बैठो। थैंक यू सर। फिर भाई सर, देखो मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त भी हूं। भाई दीवे, आज शाम को बिजी तो नहीं हो? जी नहीं, कोई खास नहीं। देखो अगर बिजी हो भी तो आज की शाम मेरी जान छुड़ाने के लिए जरा खाली रखना, तो मेरे साथ घर चलना है। आपके घर? घर तो मेरा है, लेकिन वहां हुक्म इंद्रानी का चलता है, और वो तुम्हें तुम्हारी विक्ट्री पर दिल खोलकर मुबारकबाद देना चाहती है। इज इट ओके विद यू? यस सर। इंद्रानी बेटे, देखो मैं किसको लेकर आया हूं। हाय प्रताप। सुनो बेटे, तुम हाय हाय करो, मैं तुम्हें चेंज करके आता हूं। हाउ मीन डैड। देखो बेटे, मैं हूं पुराना आदमी, मुझे तुम लोगों की ये हाय हाय की भाषा समझ नहीं आती। तुम आपस में बातचीत करो, मैं आता हूं। कल तुमने कमाल कर दिया, मैं तो देखती ही रह गई। थोड़ा सा कमाल तुम्हारी आंखों का भी है। मेरी आंखों का? लेकिन मेरी आंखें तो बिल्कुल नहीं तैरी कल। ना सही, लेकिन इनके देखने से छोटा सा कमाल भी बड़ा हो जाता है। बड़ी है ना? अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने अच्छे स्विमर हो तो कब से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती। इस में पर टू लेट, शुरू हो जाए। चले गई। चलो ऊपर चलते हैं। तुम बहुत अच्छा स्विमिंग करती हो। क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? अरे नहीं, सच कह रहा हूं, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था तुम इतना अच्छा स्विमिंग करती हो। अच्छा, तुम मत ख्वाब देखते हो क्या? ख्वाब देखना तो मेरी हॉबी है। तो अभी कौन सा ख्वाब देखा है? जी देखा है।
तस्वीर ख्यालों में मुद्दते बनी है, तू ही वो तस्वीर ख्यालों में मुद्दते बनी है, तू ही वो हसीनी है, है तू ही वो हसीनी है। जुल्फे बिखराए हुए जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ओ मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ढूंढे नजरे जिसे दिन रात कोई और नहीं है, तू ही वो हसीनी है, है तू ही वो हसीनी है। को एक राह मुस्तकिल मिल गई, अब न तरसूंगा मैं राहत को, मुझे ख्वाबों की मंजिल मिल गई, संगे मरमर की मूरत है बरसों में तसल्ली हुई, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, अरे मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में कमी है, तू ही वो हसी है, ओ तू ही वो हसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दते बनी है, तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी है। माया क्या बात है भैया? भाई हम तो बिना दारू के और इंतजार नहीं कर सकते, बहुत हो गया, टू मच। डैडी ये स्विमिंग के ही नहीं इंजीनियरिंग के भी चैंपियन है। इंद्रानी डोंट माइंड प्रताप, इसे तो मजाक करने की आदत है। इट्स ऑल राइट सर। सुनो तुमने अपना प्लान मिस्टर खन्ना से डिस्कस किया था? सर मैंने ब्लूप्रिंट तक दिखा दिया था। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? जी हाँ सर। मिस्टर खन्ना तो है ही ऐसे। ठीक है, तुम कल सुबह मुझे ऑफिस में मिलना। जी हाँ। माया
इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? सारी बस्ती को जगाना है क्या? कितनी बार कह चुकी हूँ कम पी कर आया करो, कमरा छोटा है, दारू की बदबू से भर जाता है। तू क्या प्रताप का इंतजार कर रही थी? अरे पगली, इंतजार करने से कुछ नहीं होता। इंतजार करने का कोई मतलब होता तो अच्छे दिन नहीं आ जाते। वो प्रताप नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो अपनी मशीनों में फंस गया, फंस गया। वो फंस गया है माया, वो नहीं आएगा। और जो पेट भर के नहीं खाएगा उससे मैं जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। खाना खा लिया आपने? हाँ, बड़ी भूख लगी थी, मैंने सोचा खाना खा लूं। कमाल किया आपने, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि एक साथ बैठकर खाएंगे। तुमने खाना नहीं खाया? मैं मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। ख्याल को भी कभी आने दिया कीजिए। वो क्या हुआ कि मैं एक ऐसे काम में फंस गया कि मैं वो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये क्या है सर? वही डिजाइन है जो उस दिन फाड़ कर फेंक दिया था। फिर दे गया? नहीं, प्रसाद जी ने भेजा है अप्रूव करके। है? ये लौंडा तो बड़ा ही तेज निकला सर। हाँ, इतना तेज निकला कि अगर कुछ किया नहीं गया तो अपना ही पता साफ हो जाएगा। मजदूरों में छठा की राम पान थूक कर बात करो। माफ कीजिएगा सर, मैं ये कह रहा था सर कि मजदूरों में छटनी की खबर मैंने पहले ही उड़ा दी है और उनमें बड़ी बेचैनी भी है। बट सर, दिस लोबो इज एन ऑनेस्ट बास्टर्ड। अगर सर आप उसे केयरफुल्ली हैंडल कर सके तो। हेलो प्रताप। हेलो कॉमरेड, ये देखो नई मशीन का डिजाइन। प्रताप, जब तुम इधर आया था हम बहुत खुश हुआ था कि तुम घर से हमारे लिए एक नया ड्रीम लेके आए, एक नया सपना लेके आए। ये वर्कर लोग का नया लीडर बनेगा तुम, पर तुम तो एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बन गया। कॉमरेड, हमको बोलने दो प्रताप। मालूम है ये कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट, कितना बेरोजगार मजदूर है? तुम अपना मशीन नहीं बनाओ प्रताप, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। बच्चों जैसी बात मत करो कॉमरेड, मशीन बनने से बेरोजगारी नहीं बढ़ती। तुम्हें छड्डी कटा था ना, तो मैं वादा करता हूँ कोई मजदूर निकाला नहीं जाएगा। तुम वादा करने वाला है कौन? मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन प्रसाद जी ने मुझसे वादा किया है। यू आर टू यंग प्रताप, टू यंग। हम 20 बरस का था तब से यही प्रॉमिस, यही वादा सुनता रहा है। सोशलिज्म आएगा, गरीबी हटेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। मिनिस्टर बदला पर प्रॉमिस वही का वही। हम 40 बरस का हो गया, हमसे प्रॉमिस का बात नहीं बोलो प्रताप। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो नहीं करता वादा, लेकिन मैं आपके इस बेबुनियाद डर पर अपना करियर कुर्बान करने से भी साफ इनकार करता हूं मिस्टर लोबो। मिस्टर नहीं, कॉमरेड लोबो बोलो। अरे क्यों बोलो कॉमरेड लोबो क्यों? हमने तुमको बोलने को बोला साठे। आई एम सॉरी प्रताप, कॉमरेड हमारा नाम का हिस्सा हो गया है। सॉरी कॉमरेड। ओलाला जो हमको बर्बाद करेगा हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा।
साठ तुम? हाँ मैं। गोविंद क्या चाहते हो तुम लोग? मैं पूछता हूँ क्या चाहते हो तुम लोग? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? डॉक्टर साहब कह रहे थे परेशान होने की कोई बात नहीं है। जख्म गहरा क्या? मुझे इन जख्मों की कोई परवाह नहीं है इंद्रानी, बिला वजह काम दो चार दिन पिछड़ जाएगा। भाई काम कहीं भागा जा रहा है, तुम अच्छे हो जाओ, काम तो चलते ही रहता है। सिस्टर। यस प्लीज। प्रताप श्रीवास्तव किस कमरे में? 6 नंबर में, लेकिन आप इस वक्त मिल नहीं सकते क्योंकि विजिटिंग आवर्स आर फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। सिस्टर प्लीज प्लीज, मैं जरा बाहर से ही झांक लूंगा। आई एम वेरी सॉरी, इस वक्त उनके कमरे में मिस्टर प्रसाद और उनकी बेटी हैं। ओह तो ये फूल, ये आप उन्हें मेरी तरफ से दे देंगे? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। तुम उनमें से किसी को पहचानती हो? जी नहीं। मिस्टर प्रताप, आपके कोई फ्रेंड आए थे और आपके लिए फूल छोड़ गए। गोपाल होगा। अच्छा इंद्रानी बेटे, चलो चलते हैं। आप चलिए डैडी, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, तो मैं कार भेज दूंगा। सचमुच तुमने उनमें से किसी को नहीं पहचाना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? उन लोगों ने तुम्हारी ये हालत बना दी और तुम हो कि उन्हें बचाने की कोशिश करो। मैं नहीं मानती कि तुम उन्हें पहचानते नहीं। मैं उनका नाम नहीं बता सकता इंद्रानी, उन्होंने मुझे नहीं मारा, मारा है बेरोजगारी के डर को, और मुझे उनके दिल से यह डर निकालना है। पुलिस को उनका नाम बताकर मैं उनके दिल से यह डर नहीं निकाल पाऊंगा। अब मैं समझ गई डैडी तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। और तुम? मैं इतने इंपॉर्टेंट फैसले जरा सोच समझ कर करती हूँ, समझे? हम तुम लोग को बोला था हमारा बात नहीं सुना तुम लोग, गुंडागर्दी किया। तुम लोग का इस गुंडागर्दी से हमारा यूनिट टूट सकता मालूम? सेठ लोग को क्या मुंह दिखाएगा हम? अभी 20 बरस का मेहनत पानी कर दिया तुम लोग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो कॉम्रेड। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए मिस्टर लोबो,
आज तकरीबन 25 साल से हमारी फैक्ट्री चल रही है और इन 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वर्कर को गुंडों ने मारा हो। क्या ये हम लोगों के लिए शर्म की बात नहीं? जरूर है सर, अगर हमारे किसी वर्कर पर आपको शक है तो हमको बोलिए। शक नहीं मिस्टर लोबो, यकीन है आपको भी और मुझको भी, लेकिन प्रताप किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। सर मैं अभी यही कह रहा हूं, हमारे साथियों में से कोई भी नहीं था। कॉम्रेड मैं प्रसाद जी के साथ इसलिए यहां आया हूं कि तुम लोगों से खुद कहें कि नई फैक्ट्री बनने के बाद किसी भी वर्कर को निकला नहीं जाएगा, ठीक है ना सर? ठीक है, जो प्लान प्रताप ने हमें दिया है उसके मुताबिक हमारी फैक्ट्री काम और बढ़ जाएगा, हमें और वर्कर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप सब लोग मिलकर इसके प्लान को कामयाब बनाने की कोशिश करो। यस सर। ओके, गुड लक टू यू प्रताप। हम बहुत शर्मिंदा हैं दोस्त, हम अपने वर्कर लोग की तरफ से माफी मांगता है, ऑनेस्टली इन सब लोग को माफ कर दो। फॉरगेट इट कॉम्रेड, कम ऑन। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। ये प्रोडक्शन चार्ट जो काम 6 दिन में होता था अब वो 4 दिन में होगा, और जिस काम को 50 आदमी करते थे अब 25 करेंगे। वाह, वेल डन प्रताप, वेल डन प्रताप, बहुत अच्छा सर। वाह, बहुत एक रिक्वेस्ट है। बोलो। क्या है कि इस फैक्ट्री में ट्रेन वर्कर्स ज्यादा हैं और इसलिए हम आसानी से एक फाउंड्री डाल सकते हैं जिसमें वर्कर्स लोगों को काम देकर हम प्रॉफिट का एक हिस्सा भी दे सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू प्रताप सर। अपन आपसे एक प्रॉमिस करता है, लोगों का लाइफ में ये फैक्ट्री में कभी लेबर ट्रबल नहीं होगा। और सर ये नया नया मशीन जो हमारा आने वाले कल का पैगाम है, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? कब से इंतजार कर रही हूँ। ये देखो, अरे भाई बॉस के पास आना था इसलिए घर गया, नहा अच्छे कपड़े पहने। बॉस पर इंप्रेशन जमाने के लिए टिप टॉप होकर आना पड़ता है। लेकिन ये बताओ, इस कदर बाकायदा कैसे बुलाया गया, चक्कर क्या है? पता नहीं, अंदर बोर्ड की मीटिंग चल रही है, तुम्हारी पोस्ट अबॉलिश होने की बातें हो रही थी। व्हाट? जाओ अंदर जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड लक। फंडामेंटली इट इज करेक्ट बट गुड इवनिंग जेंटलमैन। गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। मिस्टर प्रताप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। हम सबका फैसला है कि अब ये फाउंड्री तुम्हारी स्कीम के मुताबिक चलेगी। थैंक यू सर। आज से तुम डेप्यूटी जनरल मैनेजर बना दिए गए हो। मैं अपनी तरफ से और सारे मेंबरान की तरफ से तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, मैं आप लोगों को पूरा यकीन दिलाता हूं कि दिलो जान से मैं अपना फर्ज निभाऊंगा।
हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मैं गो सर? ओ यस, यू मे गो। थैंक यू सर। इंद्राणी? यस। मैं सबके लिए तैयार नहीं था इंद्राणी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं प्रताप, ये तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है, यू डिजर्व इट। और हाँ एक बात और है, कल तुम कंपनी के नए फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हो। यस साहब, आपको बाहर बुला रहे हैं। Let us celebrate your success. जी, अबे पियो। Have it, प्रताप। सर मैं नहीं पीता। अरे भाई एक बार पीने से कोई शराबी नहीं हो जाता। पियो पियो पियो। पियो प्रताप, कुछ नहीं होगा। Gentlemen, this is to the success of प्रताप श्रीवास्तव। Cheers! चाय चाय पीजिए। अरे ऐसे क्या देख रहा है? हैं? वो पता नहीं कौन सी पिक्चर थी अंग्रेजी की, उसमें हीरो से मर्डर हो जाता है अनजाने में, वो बिल्कुल तेरी तरह खोया खोया लग रहा था। ले चाय पी ना। हुआ क्या तुझे? अब माया आज चाय लेकर नहीं आई। हाँ माया तुझसे कुछ नाराज है। नाराज? हाँ,
रात के खाने पर बहुत देर तक इंतजार कर रहा है ना। आज दफ्तर जाने से पहले उसे मना लेना। मेरी जिंदगी में उसकी हंसी के सिवा और कोई रोशनी नहीं है यार। आज शाम को जरा जल्दी लौटाना, कहीं बाहर चल के बैठेंगे, माया के बारे में बात करनी है। बात? परेशान होने की कोई बात नहीं है। माया बड़ी हो गई है ना यार, तू ही तो एक दोस्त है, और किससे राय मशवरा करूं। आप गाड़ी लाया हूं। ओह तुम, ओ ये तो प्रसाद जी का ड्राइवर है ना। हाँ, वो क्या हुआ कि कल रात जरा देर से आया, तो सो रहा था, जगाया नहीं, सोचा सवेरे बता दूंगा। क्या क्या हुआ कि कंपनी ने मुझे डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ प्लांट बना दिया है, साथ साथ एक 4 बेडरूम का फ्लैट भी फर्निश करके दे दिया। आज ही शिफ्ट कर रहा हूं। आज? आज ही? हाँ। अबे लंबू, पहले तो अगर तेरा घर से खत आता था तो तू मुझे सोते से जगा दिया करता था, और कल रात इतनी बड़ी खबर सुनाने के लिए तूने मुझे नहीं जगाया। मुबारक हो। आज से हम भी कह सकेंगे कि हम एक बहुत बड़े आदमी के दोस्त हैं। अब माया को मनाने से क्या फायदा, जाने दे। नहीं, कम से कम इतना तो कह दे उससे कि अब से उसे रात के खाने पर तेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शाम को समझा दूंगा, पैकिंग करनी है। पैकिंग मैं कर दूंगा, तू माया से मिलकर नीचे जा, सामान मैं ले आता हूं, तू जाना। माया, माया, मैं नहा रही हूँ, नहीं आ सकती। फिर तो अभी मुलाकात नहीं हो सकती। मैं आज नए फ्लैट में जा रहा हूँ, कंपनी ने दिया है, अभी शिफ्ट करना है। आप अभी जा रहे हैं? हाँ, गाड़ी आ गई है, मैं कभी कभी मिलने आ जाऊंगा, चलता हूँ। अच्छा यार, कोई गलती हुई तो माफ करना। कैसी बातें कर रहा है तू? तू थोड़ी आ रहा हूँ, शहर में तो हूँ। बैठो। बाय। स्वागत के लिए। थैंक यू। मैं तो समझ रहा था प्रसाद जी ने सिर्फ फ्लैट ही दिया है। आज से तुम्हारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लगा नया घर? फैंटास्टिक। कल रात आशा मंदिर पहुंचने में परेशानी तो नहीं हुई? माय गॉड, क्या तेज तूफान था। हाँ, काफी तेज तूफान था, और मैं फंस गया दोस्त तूफान में। चलो अच्छा हुआ, सही सलामत निकला है। क्या सोच रहे थे? मैं के
रात को मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। नशा ज्यादा हो गया था? हाँ बह गया था। जो कल गुजर गया उसे भूल जाओ, हमारी जिंदगी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। माया जी। भैया बत्ती क्यों नहीं जलाई? ऐसे ही जी नहीं जा। आज अड्डे पे नहीं गए? गया था, काका मिल गए, बोले कोई और किराएदार लाओ। अरे भाई मैं कहां से लाऊं? मैं कोई दोस्तों की खेती करता हूं कि एक चला गया तो दूसरे को किराएदार लगा दूं? और सच्ची बात यह है कि आज दारू पीने का मूड नहीं था। क्यों? क्यों का कोई अंत नहीं है, नींद आने लगे तो खुद की बजा देना। खाना नहीं खाओगे? खाऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं खाऊंगा। दारू की तरह दोस्त की आदत भी बहुत बुरी होती है, एक बार लग जाए तो किसी चीज में मन नहीं लगता। आप मेरा दिल छोड़कर चार बेडरूम के फ्लैट में चला गया, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो कभी आशा मंजिल का था ही नहीं। हवा के झोंके की तरह आया था चला गया, लेकिन मैं नहीं कहता था बहुत होनहार है। नहीं क्या चाहा है मेरा यार, नशे की तरह। वाह बत्ती बुझाने। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन मिस्टर बुलाकीराम। मिस्टर नहीं सर, ओनली बुलाकीराम। मिस्टर कहने की आदत पड़ी हुई है ना, बैठिए। थैंक यू सर। कहिए। मुबारकबाद देने और सलाम करने हाजिर हुआ था सर। सर मैंने आपके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, पर बिलीव मी सर, खन्ना साहब का हुक्म मैं नहीं टाल सकता था सर। अच्छा? यस सर। सर अब तो आप डिप्टी जनरल मैनेजर हो गए हैं, नए यूनिट को सुपरवाइज करने का टाइम भला आपको कहां मिलेगा? अगर आप मुझे हुक्म दें नहीं, तो नहीं, मैं... नहीं, 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 नहीं। आप पुराने यूनिट के लिए ही ठीक है। लेकिन मैंने तो सुना है सर कि पुराना यूनिट खत्म किया जा रहा है। अब मैं ठीक ही सुना? मतलब? या, मतलब भी आप ठीक समझे, आप रिटायर हो रहे हैं। हुजूर, हुजूर माय बाप, इस उम्र में मैं कहां जाऊंगा? क्यों? हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बहुत सी जगह, और आप जैसे नालायकों के लिए देश में बड़ी पोस्ट की कमी नहीं है। किसी ना किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार तो आप होंगे। अकाउंट सेक्शन में जाइए, आपके पेपर्स बन गए होंगे। आगो बन। और डांट दिया बेचारे को? जाने दे यार, ये लोग हैं इसे काबिल। तेरा ठठोल के देख यार, तेरे सीने में तो बड़ा नरम दिल हुआ करता था। कपाल, कारोबार में दिल नहीं दिमाग की जरूरत पड़ती है, और इसलिए मैंने दिल को छुट्टी दे दी है। एनीवे कंग्रेचुलेशन, तुमको नई यूनिट का फोरमैन बना दिया गया। मुझे? हाँ। थैंक यू यार। और दूसरी खबर, प्रसाद जी मुझे फर्दर ट्रेनिंग के लिए लंदन भेज रहे हैं। अरे वाह। अच्छा तो जा कब रहा है तू? परसों। परसों? हाँ। अच्छा अच्छा, तो उससे पहले वक्त मिले तो आशा मंजिल में आ जाना कभी। तेरे मुंह से यह खबर सुनकर माया बहुत खुश होगी। बुरा नहीं मानना यार, इन दो दिनों में बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा क्यों नहीं करता तू माया को लेकर एयरपोर्ट को नहीं आ जाता? परसों 4 बजे की फ्लाइट है, ठीक है?
भाई साहब ऐसे तो कल तक नहीं पहुंचेंगे। भाई साहब जल्दी चलाइए, जल्दी कीजिए, फ्लाइट छूट जाएगी। अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब हुआ क्या? टायर पंचर हो गया। कमाल है, आप लोग पहले से चेक नहीं कराते, हम तो अटक गए हैं। यहाँ तो दूसरी टैक्सी भी नहीं मिलेगी, तब तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ऐसा ही लगता है। अरे भाई साहब कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट लगेंगे। अब तो पहुंचना बहुत मुश्किल। नानी बेटे बहुत चुपचाप खड़ी हो। ऐसी सुबह कर लो ना। जी नहीं कर रहा। अच्छा बेटे काम करो, मेरे साथ क्लब चलो। नहीं डैड, मुझे क्लब का क्राउड अच्छा नहीं लगता। क्लब का क्राउड अच्छा नहीं लगता? बेबी किसी अजीब से शहर का नाम लिया है। आपका फोन प्रताप का होगा। बैठिए। अपने हस्बैंड से कहिए कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, खुश होने की बात है। जी लेकिन मेरी तो अब तक OIC। इन दैट केस दो ही रास्ते हैं, एबॉर्शन या फिर उनसे कहिए कि शादी में देर ना करें। लेकिन आजकल तो वो लंदन गए हुए। तो फिर उन्हें खत लिखिए ना, कब तक लौटने वाले हैं? सुना है जल्दी लौटने वाले हैं। देन वेट फॉर हिम। लेकिन ज्यादा देर करने से आप समझ गई ना? जी थैंक यू डॉक्टर। शाह तो नहीं लंदन गया? मालूम है, उन्हें एक जरूरी खत लिखना है, पता बताएंगे? बताएगा क्यों नहीं, लेकिन मेरे को पता नहीं। हाँ इंद्राणी पे भी कोई टेलीफोन करके पूछ सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा मेनसा नाम तो बता के जाओ, हम शाप से बोलेगा। उसकी भी कोई जरूरत नहीं। कमाल है। हेलो हेलो कॉमरेड। ए कॉमरेड के लिए एक स्पेशल। प्रताप का कोई खबर आया? तुमने चिट्ठी लिखा था, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। आज की ताजा खबर प्यारे भाइयों, लाल कृष्ण हरी, कुछ भी हो जाए डोंट वरी, लीजिए लाला सत्यनारायण से पूरे समाचार सुनिए। खन्ना साहब ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, और आपके परम मित्र श्री प्रताप कुमार श्रीवास्तव GM बन गए। आगे समाचार ये। इतना बड़ा खबर और छिपाया तुमने हमसे? अरे कॉमरेड मुझे नहीं मालूम था। अरे कॉमरेड अब तो इनकी चांदी है चांदी, उनके आते ही इनकी एक प्रमोशन और हो जाएगी। मैंने कहा गोपाल जी इस खुशी में हो जाए एक प्लेट रसगुल्ला। जी रसगुल्ला भी खाइए और चाय भी पीजिए, मगर वो दोस्त वोस्त किसी का नहीं है। यानी के दोस्त दोस्त ना। पहले मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहती हूँ। क्या? तुम GM बन गए। GM? मगर खन्ना? तुम्हारे जाने के बाद उसने गड़बड़ शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर वो नहीं होगा तो शायद फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टर ने उसे अपनी पोस्ट से रिलीव कर दिया। आई होप प्रताप तुम फैक्ट्री संभाल लोगे। आई होप सो। ऊपर नहीं आओगी? नहीं प्रताप, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बाद में फोन कर लूंगी। ओके बाय बाय। चलो ड्राइवर बुला लो। शाह सदरे से कोई मेम साहब का 3 बार टेलीफोन आ चुका है। कौन मेम साहब? पटाने साहब। शायद ये वही मेम साहब हो जो आपका पता पूछने के लिए आई थी।
नाम तो पूछना चाहिए था। बहुत पूछा साहब, लेकिन उसने टेलीफोन बंद कर दिया। जाओ। जी साहब। हेलो। ओ इंद्राणी, मैं समझा कि क्या समझे थे? मैं समझा कि शायद कोई और। ओ प्रताप, यू आर इम्पॉसिबल। और मत हंसाओ प्लीज। किसका इंतजार हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। उसे मिलने जा रही हो, लेकिन कहाँ? ठीक है, फिर मैं वही आके उसकी खबर लेता हूँ। मेरे और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा। बस मैं तैयार होकर फौरन आता हूँ, 20 मिनट के अंदर। नहीं, 20 मिनट बहुत होते हैं, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। 19:30 मिनट ठीक है? ठीक है, 19:30 मिनट। ओके ओके। मेम साहब, आप? तुम्हारे साहब? साहब तो गया। गए? लेकिन अभी तो फोन पे बात कर रहे थे। हाँ, अभी निकला। अब जल्दी नीचे साहब शायद मिल जाए, नहीं तो देर हो जाएगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे सच में देर हो गई। बदल देंगे हकीकत में हम, ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में, मिलके रहेंगे दोनों हर मानव जन्नत में, हम अपने ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत कितने हसीन थे वो शाम
नाचेंगे कितने हसीने, वो शाम वो सहर, नित आएंगी बहारे, नित खिलेंगे फूल सुहाने, यूं ही रहेंगे जमानों तक खुशियों के जमाने, हम तुम जुदा ना होंगे अब तो किसी सूरत में, हम अपने ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। Congratulations, Mr. Srivastav. अरे तू बट अब इतना बिगड़ने की तो कोई बात नहीं है यार, सच कहता हूं मैं इतना बिजी रहा तेरे खत का जवाब नहीं दे पाया। एक मिनट, मॉनसून आने से पहले तू क्यों बरसना चाहता है, तू नहीं सुधरेगा। ये देख, ये लाइटर तेरे लिए और इस पैकेट में एक फ्रेंच शिफॉन साड़ी है माया के लिए। इतना पैसा लुटाने की क्या जरूरत थी? लो, जब पैसा नहीं था तब कभी लूटा है नहीं ना, अब जब पैसा आया है तो क्यों ना लुटाऊं दोस्तों पर। चल बैठ, चल। अब ये बता, माया कैसी है? कुछ समझ में नहीं आता, पीली पड़ती जा रही है, उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता हूं तो टाल जाती है, तो ही आके उसे डांट पिला देना दो चार फुरा। आता हूं किसी दिन, लेकिन गोपाल अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोचता हूं, उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। खर्चे की फिक्र मत करना, मैं हूं ना। हाँ हाँ, खर्चे की जरूरत तो पड़ेगी। मे आई कम इन मिस्टर जनरल? आओ इंद्राणी, यह है मेरा सबसे पुराना और सबसे प्यारा दोस्त गोपाल। हेलो, मैं चलूं? ये यही काम करते हैं? हाँ, फोरमैन है। तुम इस वक्त कैसे आ गई? तुम्हारे लिए। अच्छा, अरे मेज पर तो ना बैठो। डोंट वरी मिस्टर जनरल मैनेजर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम अपना काम करो और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। देखिए जीएम इज नॉट इन। जी? अरे ये तो पूछो काम क्या है, जब तुम हो ही नहीं तो पूछने से क्या फायदा। दो मुझे दो। पूछते बाबा पूछते। जीएम जानना चाहते हैं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। आपका नाम? माया। सब माया देवी। कोई माया देवी है? ये माया देवी क्या चीज है? गोपाल की बहन। ओ, माया देवी को फोन दो, बात कीजिए। हेलो। हेलो माया, तुम ऑफिस नहीं गई? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो मैं कल परसों उधर ही आ रहा हूँ, वहीं बात कर लेंगे। क्या तुम मुझसे एक मिनट के लिए भी नहीं मिल सकते? ठीक है, अंदर आ जाओ। लगता है झगड़ा करने आई है। क्यों? जाने से पहले भी नहीं मिला था और आने के बाद भी नहीं। आ माया। अरे ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? मैं सिंधानी, प्रसाद जी की बेटी माया। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो, लड़ने आई हो ना तो शुरू हो जाओ, वो रेफरी बन जाएंगी। वैसे आई एम रियली सॉरी, तुमसे इतने दिनों मिल नहीं सका, लेकिन आज शाम को मैं जरूर आऊंगा। तो मैं चलती हूँ। क्यों? तुम तो कुछ जरूरी बातें करने आई थी। वो बात मैं तुमसे शाम को कर लूंगी। ठीक है, आना जरूर। जरूर आऊंगा, अरहर की दाल जरूर पकाना। ये लड़की इतनी परेशान क्यों नजर आ रही थी?
लगता है गोपाल आजकल ज्यादा पीने लग गया है और इस बेचारी को उसका नशा भुगतना पड़ता है। इतने दिनों बाद देखा, पहचान नहीं पाया। डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती कि इसके पास पैसे नहीं है। तुमने इसे दे क्यों नहीं दिए? तुम इन लोगों को नहीं जानती, पैसे थोड़ी लेंगे। आज शाम को कुछ चक्कर चला के दे आऊंगा। लेकिन आज शाम को तो तुम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज शाम को डैडी ने तुम्हें बुलाया है। प्रसाद जी ने? किस लिए? आज शाम को हम दोनों की आज की ताजा खबर। प्यारे भाइयों, जय राम कृष्ण हरी। कुछ भी हो जाए डोंट वरी, लीजिए लाला सत्यनारायण से पूरे समाचार सुनिए। आज क्या खबर लाए हो लाला? खबर ये है कि हमारे एमडी की इकलौती पुत्री इंद्रानी जी और इनके इकलौते मित्र श्री प्रताप जी, इन दोनों की शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? और आज रात को 8 बजे एमडी साहब के बंगले पर मंगनी हो रही है और इसी खुशी में हमारे परम मित्र श्री गोपाल जी हम सबको यहाँ पर पार्टी दे रहे हैं। शादी तय हो गई? सलाम मैम साहब। तुम? साहब ने भेजा है, साहब बोला कि वो आज इधर नहीं आएगा। क्यों? ये तो वो नहीं बोला, बड़ा साहब का घर में आज पार्टी है, हमारा साहब इंद्राणी बेबी का आज मांगनी है। हाँ मैम साहब, साहब ने आपके वास्ते ये भेजा है। आप चलता है मैम साहब, सलाम। डियर मैम, कुछ पैसे भेज रहा हूँ, गोपाल को उनकी हवा भी नहीं लगने देना। और हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। मैं आने की माफी चाहता हूँ प्रताप। जी शाह। माँ जी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा शाह। कुछ नहीं कहा जी? नहीं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी शाह, माँ मेम साहब का टेलीफोन। हेलो, मंगनी मुबारक हो। थैंक यू। आपने हमको अपनी मंगनी पर बुलाया नहीं? अरे मुझे भी आज ही पता चला, वरना भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी मंगनी हो और मैं तुम दोनों को ना बुलाऊं? Anyhow, मैंने इस वक्त इसलिए फोन किया कि एंगेजमेंट पार्टी पे जाने से पहले आपका मुझसे मिलना बहुत जरूरी है। But ma, it's not possible. मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह आ जाता हूँ। कल सुबह नहीं, आज पार्टी पे जाने से पहले आपको मुझसे मिलना ही होगा। But ma, मैं बोट क्लब में आपका इंतजार करूंगी। बोट क्लब? ओह, तो बोट क्लब भी आप भूल गए। ठीक है, लेकिन मैं 10 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकता। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। नो ड्रिंक्स वेटर? यस सर। आई ड्रिंक्स लाओ। इंद्राणी जी। डैडी, इतनी देर हो गई, प्रताप कहाँ चला गया? घर से निकले तो काफी देर हो गई। सर, ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। वैसे भी मुंबई की आधी सड़कें तो खुली रहती हैं। हो सकता है। हाँ मैं, बोलो क्या बात है? बोट में बैठ के बात करेंगे। इतनी रात को बोट में? यहाँ क्यों नहीं? बस यूं ही। माँ तुम जानती हो मैं बहुत जल्दी में हूँ। जानती हूँ। चलो। अब बताओ क्या कहना है? इतनी जल्दी भी क्या है, बताती हूँ। मुझे पार्टी में भी जाना है। एक पार्टी छोड़ नहीं सकते मेरे लिए? क्यों नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये पार्टी नहीं। और मैं यही पार्टी छोड़ने के लिए कह रही हूँ। जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाए तुम यही रहोगे। कैसी बातें कर रही हो? मुझे बोलने दो प्रताप,
ये कभी नहीं हो सकता कि तुम प्यार मुझसे करो और शादी इंद्राणी से। प्यार? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो प्यार नहीं था तो क्या था? क्या तुम मुझसे खेल रहे थे? बोलो, जवाब दो। ना वो खेल था ना मेरा प्यार, वो हम दोनों की गलती थी। उस रात मैं नशे में था, तुम्हें खुद मेरे कमरे से चले जाना चाहिए था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं इंद्राणी से प्यार करता हूं। क्योंकि वो पैसे वाली है? नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। झूठ मत बोलो प्रताप, तुम इंद्राणी से प्यार नहीं करते, तुम्हें प्यार है प्रसाद जी की दौलत से, और तुम शादी भी उनकी दौलत से करना चाहते हो। क्या बकती हो? मैं पक रही हूँ, तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उस पार्टी में आऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हद से आगे मत बढ़ो माँ। नहीं तो क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? मार डालो, धकेल दो मुझे झील में। तुम तो जानते हो मुझे तैरना नहीं आता। मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो। क्या मामा सुनते? नहीं, आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। फैक्ट्री में टेलीफोन करो, शायद अब तक मशीनों में उलझा पड़ा हो। अच्छा। वेटर। यस सर। ड्रिंक्स लाओ सर, उस तरफ भी। हेलो, देखिए वहां, मैं इंद्राणी बोल रही हूँ। जीएम साहब हैं? नहीं है? ठीक है, तो फिर गए कहाँ? मैंने बहुत कोशिश की इंस्पेक्टर साहब, पर रात अंधेरी थी, माया तो नहीं मिली, पर माया की लाश मिल गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश में पल दो पल की देर जरूर की है इंस्पेक्टर साहब, और इसलिए माया की मौत का जिम्मेदार एक तरह से मैं ही हूं। वेल इट्स लाइफ मिस्टर श्रीवास्तव, एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, आपको कुछ और तो नहीं कहना? जी नहीं। पर एक बात अभी तक आपने नहीं बताई, इतनी रात गए आप अपनी एंगेजमेंट की पार्टी छोड़कर बोट क्लब में गए थे, आप तो वहां के मेंबर भी नहीं हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि मैं वहां का मेंबर नहीं हूं, पर माया की मौत का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। आई सी। कहाँ है माया? माया कहाँ है मेरी बहन? पहचान लिया? कौन है? मैं माया का भाई और श्री प्रताप श्रीवास्तव का दो। हटा दिया ना माया को रास्ते से, खत्म कर दिया ना उसको। अब और कितनी तरक्की करोगे प्रताप श्रीवास्तव? बॉस की बेटी और दोस्त की बहन में से कुछ में तुम्हें तो जरा भी कठिनाई नहीं हुई प्रताप श्रीवास्तव? तुमने जनरल मैनेजर के लिए मेरे साथ गुजरे हुए सारे दिन बुला लिए, वो दोस्ती और वो एक दूसरे पर जान देने के अरमान सब। मुझे माया की लाश कब मिलेगी सर? पोस्टमार्टम के बाद। डॉक्टर लोग उसका दिल चीर के तो नहीं देखेंगे सर?
बहुत अच्छी लड़की थी। भाई की मजबूरी समझती थी, मैंने उसकी सारी पगार दारू पे उड़ा दी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की साहब, हमेशा हंसती रहती। मैं अभी भी उसी के पैसे की दारू पे। साहब हम तो अकेले रह गए, एक बहन थी वो मर गई, एक दोस्त था बहुत बड़ा आदमी बन गया। मिस्टर गोपाल, आपने आते ही मिस्टर प्रताप से ये क्यों पूछा कि माया को रास्ते से हटा दिया? तो और क्या पूछता, ठीक ही किया इसने, मेरी माया इसको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकती थी, इसको चार बेडरूम का फ्लैट तो नहीं दिला सकती। नहीं गोपाल नहीं, ये सच नहीं। इंस्पेक्टर शिंदे है? व्हाट? थैंक यू, कल सवेरे तक रिपोर्ट भेज दीजिए। जी हाँ, मिस्टर प्रताप एक बार फिर सोच लीजिए, शायद आप कुछ बताना भूल गए हो। नहीं भूला कुछ भी नहीं, जो बताने की बातें थी सब बता दिए। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि माया देवी प्रेग्नेंट थी? पुलिस की भूल हुई है, मैं जाता हूं। मैं भी चलूंगी। नहीं बेटे तुम नहीं जाओ। ठीक है तो भी चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये फैसला आपने कैसे कर लिया कि प्रताप ही कातिल है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर माया देवी के भाई का भी यही कहना है, और प्रताप ने यह बात छुपाने की कोशिश की कि माया देवी प्रेग्नेंट थी। क्या उनकी बेल हो सकती है? सॉरी, ऐसे केस में बेल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब प्रताप को सारी रात हवालात में काटनी पड़ेगी? अगर केस साबित हो गया तो सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। क्या मैं प्रताप से मिल सकती हूँ? इंद्राणी, डैडी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज इंस्पेक्टर
मिस्टर पानेकर। यस सर। इंद्रानी मेम साहब को मिस्टर प्रताप के पास ले जाओ। यस सर। जी डैडी, आप यहीं बैठिए। चलिए। जाइए। पूछना क्या है? रिपोर्ट पढ़ के आई हूं। रिपोर्ट ठंडी लाश की तरह पहचान शब्द। ये रिपोर्ट सच नहीं है इंद्राणी। मां का कत्ल मैंने नहीं किया, वैसे का एक्सीडेंट हो गया था। और वो भी एक एक्सीडेंट ही था। तुमने ये बात इंस्पेक्टर से छुपाई क्यों? झूठ क्यों बोले? जिंदगी कब से इस लायक हो गई इंद्राणी कि उसे बचाने के लिए कोई झूठ बोले? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैं आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। यहाँ के सबसे बड़े लॉयर मिस्टर जोशी है ना डैडी? डैडी, जिंदगी में पहली बार मुझसे आदमी पहचानने में गलती हुई। नहीं डैडी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। हाँ, कोई गलती नहीं हुई। हाँ, सबसे बड़े वकील मिस्टर जोशी हैं। स्टूपिड, पुलिस स्टेशन पर यह स्टेटमेंट देने की राय उन्हें किसने दी? क्या सच बोलने में नुकसान होता है मिस्टर जोशी? सच इज अ ब्यूटीफुल वर्ड मिस प्रसाद, लेकिन गलत जगह पर बोला जाने वाला सच झूठ से भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इस बात ने केस को कमजोर कर दिया है। तो क्या कोई उम्मीद नहीं? कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकारी वकील मिस्टर दलाल जरा टेढ़े आदमी है, फिर भी देखते हैं केस को किस तरह पुटअप करते हैं। मलोज, मुलजिम प्रताप कुमार श्रीवास्तव ने किसी महापुरुष की तरह पुलिस स्टेशन पर अपना बयान दिया और कहा कि माया देवी की मौत के लिए एक हद तक वह खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें बचाने में उसे पल दो पल की देर हो गई। और साथ ही साथ बड़ी सफाई से उसने यह भी कहा कि माया देवी मरी है, मारी नहीं गई है। लेकिन यह खत मलोड, यह खत माया देवी के नाम लिखा हुआ मुलजिम का यह खत उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देने के लिए काफी। इस खत के साथ मुलजिम ने 1000 रुपया भी भेजा था ताकि उसके नाजायज बच्चे को माया देवी गिरवा ले, ताकि मिस इंद्राणी प्रसाद की दौलत से शादी करने के लिए मुलजिम आजाद हो जाए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑनर, वकील का काम है सबूत पेश करना, नतीजा निकालना अदालत का काम है। मिस्टर दलाल जिस खत पर राय का पर्वत खड़ा कर रहे हैं, शायद वो खत मुलजिम ने लिखा ही ना हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन था मेरे काबिल दोस्त यही ऑब्जेक्शन लेंगे, इसीलिए मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। प्रोसीड मिस्टर दलाल। मुलजिम ने इस खत में साफ साफ लिखा है कि माया देवी उनके भाई यानी मुलजिम के गहरे दोस्त श्री गोपाल माथुर से कुछ ना कहें और कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाए। मगर माया देवी एक शरीफ लड़की थी योर ऑनर, उनके पेट में जो बच्चा था वो पाप का नहीं प्रेम का बच्चा था, इसीलिए वो उसे कत्ल करने पर तैयार नहीं हुई। ऑब्जेक्शन टू द वर्ड कत्ल योर ऑनर। कोई भी कुमारी लड़की जिल्लत से बचने के लिए अबॉर्शन करा सकती है और आजकल ये गैर कानूनी नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू ऑनर। अब मैं जानना चाहूंगा कि मिस्टर दलाल को माया देवी के दिल का हाल इतनी तफसील से इतने डिटेल से कैसे मालूम हुआ? क्या मिस्टर दलाल माया देवी के दिल में किरायेदार थे? मैं माया देवी के दिल में किरायेदार नहीं हूं योर ऑनर, न मुझे शौक है किसी को फांसी की सजा दिलवाने का, पर मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि एक बेगुनाह मासूम लड़की का कातिल अपने जुर्म की सजा न पाए। इसीलिए मैं गवाहों की मदद से ये साबित करना चाहता हूं कि मुजरिम ने जानबूझकर माया देवी को अपने रास्ते से हटाने के लिए यह कत्ल किया।
सबसे पहले मैं रामचरण को बुलाना चाहता हूँ जो उस बोट क्लब का रात का पहरादार है जहाँ ये कत्ल हुआ। योर ऑनर, पहरेदार रामचरण सिर्फ इतना ही बता सकता है कि मुल्जिम दो एक बार फर्जी नामों से वहां गया था, जो मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए प्रोसिक्यूशन को ठोस सबूत पेश करें। ठोस ठोस का मतलब समझते हैं मिस्टर दलाल? ठोस ठोस। हाँ मैं समझता हूँ। हाँ तो पेश कीजिए। तो मुल्जिम के नौकर बहादुर सिंह के बारे में क्या ख्याल है? इट्स एन एक्सलेंट आइडिया, बहुत बढ़िया ख्याल है। बहादुर सिंह, आप माया देवी को पहचानते थे? पहचानता था साहब। आप उनके पास मुलजिम का खत भी ले गए थे? मुलजिम साहब कौन साहब है ये हमको पता नहीं है साहब। हम अपने साहब का खत लेके गया था साहब। तो खत देखकर माया देवी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा साहब, उदास हो गया। ये उसी खत की बात हो रही है योर ऑनर जिस पर डिफेंस ने इतराज किया। इस खत के साथ मुलजिम ने 1,000 रुपया भी भेजा था अबॉर्शन करवाने के लिए। यह गलत है योर ऑनर। मुलजिम को माया देवी की प्रेगनेंसी की खबर बिल्कुल नहीं थी। खबर नहीं थी तो मुलजिम ने रुपए क्यों भेजे थे? और फिर उसने क्यों लिखा कि इन रुपयों की हवा भी अपने भाई को ना लगने दे? क्योंकि मुलजिम ये जानता था योर ऑनर कि श्री गोपाल माथुर शराबी हैं, अपनी बहन की सारी तनख्वाह शराब में उड़ा दिया करते थे। एनीवे द विटनेस इज योर्स। थैंक यू दलाल साहब। बहादुर सिंह जी साहब, जिस वक्त तुम खत देकर वापस लौटे तुम्हारे साहब ने तुमसे कुछ पूछा? पूछा साहब। क्या पूछा? माया देवी ने कुछ कहा? हमने बोला कुछ नहीं कहा। इतने में माया देवी का टेलीफोन आ गया साहब। जिस वक्त टेलीफोन आया उस वक्त तुम वहाँ खड़े थे? जी साहब, मैं वहाँ खड़ा था साहब। तो तुमने सुना तुम्हारे साहब ने टेलीफोन पर क्या कहा? जी साहब, साहब ने कहा हम अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ सुना और बोला हम सिर्फ 10 मिनट के वास्ते आएगा, बेसी नहीं रुकेगा साहब। बस बस साहब। थैंक यू बहादुर। मेंशन नॉट साहब। योर ऑनर, इस गवाह के मुताबिक मुलजिम बोट क्लब जाना नहीं चाहता था, उसे वहां बुलाया गया था। अगर मुलजिम का इरादा कुछ और होता तो वो खुद वहां जाता और महादेव को वहां बुलाता। मुलजिम वहां सिर्फ इसलिए गया कि महादेवी शायद उनसे कोई जरूरी बात कहना चाहती थी जो टेलीफोन पर नहीं कह सकती। ये ठीक मिस्टर जोश, महादेवी को सिर्फ यही कहना था कि वो अबॉर्शन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मुलजिम उसे छुपा कर जो एंगेजमेंट करने वाला था उसे तोड़ दे और महादेवी से शादी कर दे। ताज्जुब की बात है ऑनर, माया देवी के दिल की बात इन्हें कैसे मालूम हुई? क्या डूबने से पहले माया देवी इनसे कहके डूबी थी? कहके तो नहीं डूबी थी, मगर उनके सर पर जो घाव मिला है उसे यह साबित होता है कि मुलजिम ने पहले उन्हें मारा उसके बाद पानी में ढकेल दिया। ये साबित करने के लिए वाला मैं डॉक्टर सूरत वाला को भी इस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने माया देवी का पोस्टमार्टम किया। प्रोसीड। डॉक्टर सूरत वाला, आपने माया देवी का पोस्टमार्टम किया था? यस सर। आपके ख्याल में माया देवी की मौत कैसे हुई, पानी में डूबने से या सर पर चोट से? लेट्स से माया देवी की मौत में उस चोट का बड़ा हाथ है मेरे ख्याल से। नो ख्याल प्लीज योर ऑनर, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, जो कुछ कहे यकीन के साथ कहे। योर ऑनर, डॉक्टर सूरत वाला वारदात के मुकाम पर हाजिर नहीं थे, वो अपना ख्याल ही जाहिर कर सकते हैं। प्रोसीड। यस डॉक्टर सूरत वाला, मौत पानी में डूबने से हुई, सर पर चोट पहले से लग चुकी थी। दैट्स ऑल डॉक्टर। मुलजिम ने पहले चप्पू से माया देवी को मारा उसके बाद पानी में ढकेल दिया। योर विटनेस। थैंक यू डॉक्टर सूरत वाला, माया देवी के सर के किस हिस्से में चोट लगी थी? सर के पिछले हिस्से में, इस जगह पे। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि चोट चप्पू से ही लगी थी? ये तो कहना मुश्किल है, किसी ऐसी चीज से लगी होगी। जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन। हाँ तो सर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी? जी हाँ, सर का पिछला हिस्सा सूजा हुआ था गोलाई की शक्ल में। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, गवाहों के बयान से ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि मुलजिम ने ही माया देवी का खून किया है। इज इट सो? योर ऑनर, मुझे मालूम नहीं था कि कत्ल का जुर्म साबित हो चुका है। मिस्टर जोशी प्लीज सिट डाउन। योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त को यकीन दिलाने के लिए मैं दिखला ही देता हूं माया देवी का खून कैसे हुआ। दिखलाएंगे? बेशक। योर ऑनर, ये है वो फोर्स। मुलजिम ने यह कत्ल किया। योर ऑनर, उस शाम को माया देवी वहां बैठी थी और मुलजिम यहां, वो उसे फुसला कर झील के बीच ले जाता है।
क्योंकि उसे मालूम था माया देवी तैरना नहीं जानती थी, और जब माया देवी उससे शादी करने के लिए कहती है वो अचानक चप्पू उठा लेता है और जोर से उनके सर पर मारता है। माया देवी बेहोश हो जाती है और वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद मिस्टर दलाल की आंख खुल जाती है। मिस्टर जोशी प्लीज, ये ख्वाब नहीं तो और क्या है योर ऑनर। मिस्टर दलाल इतने यकीन के साथ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो खुद वो मौजूद थे। आई ऑब्जेक्ट टू थिएट्रिकल ड्रामेटाइजेशन। माया देवी के सर की चोट का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। हो सकता है योर ऑनर, अब मैं भी नाव का ड्रामा करके दिखाता हूँ। मिसेस प्रधान, आप मिस माया देवी से बैठ जाइए। समझ लीजिए ऑनर, मैं मुजरिम हूं। मैंने ये चप्पू उठाया और माया देवी को क्यों मारा। मिस्टर जोशी, आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं साबित करना चाहता हूं ऑनर कि मिस्टर दलाल की दलील गलत है। सामने बैठा हुआ आदमी किसी के सर के पीछे नहीं मार सकता। अब मैं बताता हूं कि माया देवी के सर के पीछे चोट कैसे लगी। फिर से समझ ली कि मैं मुल्जिम हूं। न जाने क्यों मैंने ये तय कर लिया कि घाव तो सर के पीछे लगाना है, तो मैं यूं छलांग मारकर पीछे आऊंगा और ये मारूंगा। लेकिन ऑनर, ऐसा करने के लिए मुझे पानी पर खड़ा रहना पड़ेगा, और ये तो मिस्टर दलाल के मानेंगे कि कोई हठयोगी पानी पर खड़े रहने की कोशिश करेगा तो डूब पर से डूब जाएगा। थैंक यू मिस्टर प्रधान, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मुल्जिम को मालूम था माया देवी तैरना नहीं जानती, तो उसे चप्पू से मारने की क्या जरूरत थी। वो प्यार के बहाने उन्हें पास बुलाता है और पानी में ढकेल देता है, माया देवी खत्म हो जाती। बात यह हुई है, माया देवी मुल्जिम को ब्लैकमेल करना चाहती थी। मुल्जिम ने इनकार किया, माया देवी गुस्से में अचानक खड़ी हो गई, अपना बैलेंस खो दिया, पीछे गिरी, नाव से टकराई और पानी में गिर गई। उनके गिरने से पानी उछलकर मुल्जिम की आंखों में चला गया। मुल्जिम इस हादसे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे बचाने की कोशिश में पल दो पल की देर हो गई। योर ऑनर, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि आंखों में दो चार छींटे पानी पड़ते ही मुल्जिम इतना घबरा गया कि वो आराम से नाव पर बैठा रहा और उसके सामने एक लड़की तड़प तड़प कर पानी में डूबकर मर गई। क्या ये काबिल यकीन है? कैसे ये साबित नहीं होता कि मुल्जिम उसे बचाना ही नहीं चाहता था? कैसे ये साबित नहीं होता कि मुल्जिम ने उसे जानबूझकर मार डाला? कैसे ये साबित? ये क्या हरकत है मिस्टर जोशी? आप अदालत की तोहिन कर रहे हैं। दिस इज कंटेंट ऑफ कोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सॉरी मिस्टर दलाल, योर ऑनर, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, पर ये किए बिना ये मानने वाले नहीं थे कि आंखों पर पानी पड़ने से आदमी बौखला जाता है। इन्हें समझने में एग्जैक्टली 7 सेकंड लग गए। मैं फिर कहता हूं, ये मौत हादसे के सिवा कुछ नहीं। सॉरी, थोड़ी अदालत में किसी शरीफ आदमी की आंखों में एक गिलास पानी मारकर उसे चौंका देना और प्लान करके किसी को पानी में ढकेल देने में फर्क होता है योर ऑनर। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मिस्टर जोशी के इस ड्रामे से बिल्कुल मुत्तफिक ना हो। मुल्जिम कितना गिरा हुआ आदमी है ये साबित करने के लिए मैं एक और गवाह पेश करता हूं। ये वो आदमी है जिसके यहां मुल्जिम अपनी गरीबी की हालत में रहा करता था। वह है माया देवी का भाई गोपाल माथुर। आप गीता के जैसे उठा के गई है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं कसम खाता हूं। मिस्टर गोपाल माथुर, स्वर्गीय माया देवी आपकी बहन थी? जी। ये मुल्जिम आपका पुराना दोस्त है? जवाब दीजिए। शरीफ लोग अपने बहन की इज्जत लेने वालों और बाद में उसका खून कर देने वालों से दोस्ती नहीं रखते वकील साहब। गवाह से जो बात पूछी जाए, गवाह सिर्फ उसी बात का जवाब दे। मुल्जिम मेरा दोस्त था, मुल्जिम अब मेरा दोस्त नहीं है। आपने पुलिस स्टेशन पर एकदम से क्यों कहा था कि आखिर उसने माया को खत्म कर दिया?
तो और क्या कहता। मुल्जिम को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता होगा। प्रसाद जी की बेटी से ये माया की जिंदगी में शादी नहीं कर सकता था। क्यों क्यों नहीं कर सकता? एक मरी हुई बहन के भाई से ये सवाल मत कीजिए वकील साहब। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो इंद्राणी जी से शादी इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि इंद्राणी जी से मिलने के पहले वो माया से प्यार का नाटक शुरू कर चुका था। आपको कभी इन पर शक नहीं हुआ? जब मुझे इन पर थोड़ा शक हुआ भी तो मैंने प्रताप से माया की शादी की बातचीत की, लेकिन प्रताप चुप रहा। मतलब मुल्जिम ने इनकार नहीं किया, उसे यह रिश्ता मंजूर था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, खामोशी का मतलब इनकार भी होता है। मुल्जिम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, प्रोसीड मिस्टर दलाल। अब मुझे इनसे और कुछ पूछना नहीं है योर ऑनर। योर विटनेस। नो हार्ड फीलिंग्स दलाल, गो अवे। मिस्टर गोपाल माथुर, आपने मुल्जिम से अपनी बहन की शादी की बात किस वक्त की थी? जी रात। किस वक्त? मेरे कहने का मतलब है उस वक्त क्या बजे होंगे? जी, मुझे ठीक वक्त की याद नहीं है। क्यों, क्या आप हमेशा की तरह नशे में थे? हाँ या नहीं कहिए, आपने सच कहने की कसम खाई है। जी खैर, आप मुल्जिम से कभी कभी कर्ज लिया करते थे? जी आपने कभी कर्ज अदा किया? नहीं। क्यों, क्या आप सारे पैसे हमेशा की तरह शराब में खर्च कर दिया करते थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गवाह ने मुल्जिम से कर्ज लिया या नहीं लिया, कर्ज अदा किया या नहीं किया, इन बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर। क्या ताल्लुक है? इन सवालों से गवाह के स्वभाव, चरित्र, चाल चलन और एटीट्यूड से गहरा ताल्लुक। गवाह इस सवाल का ठीक ठीक जवाब दे। कहिए मिस्टर माधव, आपने कर्ज क्यों अदा किया? उसने कभी मांगा नहीं और मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अदा कर सकता। और आप अदा करना चाहते भी नहीं थे क्योंकि आप मुल्जिम की आमदनी पर अपना हक समझते थे। जी नहीं, आप मुल्जिम से कर्ज नहीं लेते थे, अपनी बहन का किराया लेते थे। क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम पर एक शरीफ आदमी को यूं गाली नहीं दी जा सकती। योर ऑनर, बहन की आमदनी से दारू पीने वाला शरीफ नहीं कहलाता। इस गवाह के इशारे पर इसकी बहन ने मुल्जिम को सेड्यूस किया और पैसे मांगने के लिए ऑफिस तक गई। ये नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही किया और आप जानते भी थे, और आप ये भी जानते थे कि आपके बहन के पेट में बच्चा है, वो गर्भवती है। जब आपको पता लगा कि आपकी बहन प्रेग्नेंट है तो आप दोनों ने मिलकर मुल्जिम को ब्लैकमेल करने की साजिश की और ये तय किया कि वो बच्चा मुल्जिम के सर पर थोप दिया जाए जो किसी ऐरे के गुनाह की निशानी थी। नहीं जोशी, नहीं मिस्टर जोशी, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। भरी अदालत में किसी मरी हुई लड़की की इज्जत इस तरह मत उछालिए वकील साहब। वैसे मुझे फांसी में चढ़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन माँ की इज्जत के दामों मैं अपनी जिंदगी खरीदना नहीं चाहता वकील साहब। मिलोर्ड, माया मैं ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। जस्ट मिनट वकील साहब, ना उसने कभी मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की है, ना मैंने उसे। मिलोर्ड, उस रात मैं नशे में था और वो अपने आप को संभाल ना पाए, लेकिन ये सच है कि उसने कभी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। मिस्टर श्रीवास्तव, डोंट फॉरगेट योर केस। डोंट इंटरप्ट मिस्टर जोशी, प्रोसीड। लेकिन योर ऑनर, प्लीज सिट डाउन। मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ये मालूम होता कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो मिला प्यार ना करते हुए भी मैं उससे शादी करता, लेकिन यह बात वो कभी मुझे बतला सके। शर्म, अभिमान और नफरत ने उसकी जबान बंद कर दी और अपनी जिंदगी के साथ साथ उस बच्चे की भी जान ले ली। ये दोनों खून मेरे कारण हुए मिलोर्ड, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मां का खून मैंने किया, उस बच्चे को मैंने मारा है और मैं ये चाहता हूं इसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, जज्बात के रोह में बहकर श्रीवास्तव अपने होश आवाज खो बैठे हैं, इसलिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं। इनके बयान पर ध्यान न दिया जाए। योर ऑनर, जज्बात के रोह में बहकर इंसान हमेशा सच कहता है, मुल्जिम का बयान सच माना जाए। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। चलिए।
आई एम सॉरी मिस्टर प्रसाद, ये केस हम जीत नहीं सकते। वहां क्या कोई चश्मदीद गवाह तो था नहीं, इजीली उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता था। उस सर फिर कोई कहने की क्या जरूरत है कि मैं गुनाहगार हूं, बच्चा मेरा है, मैं कातिल हूं। कल वो कहेगा कि माया देवी से प्रेम करता था इसलिए मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूं ताकि परलोक में मेरी मुलाकात हो। दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये कन्फेशन करने की क्या जरूरत थी। एनीवे आई विल सी यू टुमारो। मिस्टर गोपाल, मिस्टर गोपाल, आप जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये क्या सेवा करूं? प्रतापी की तरह मैं भी वकीलों की कुश्ती से तंग आ गई हूँ। दोनों कानून बोलते हैं, वकीलों के लिए ये पेशे की बात है, मगर हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ सच क्या है। कमाल है, सच क्या है आपको अभी तक समझ में नहीं आया? सच ये है इंद्राणी जी, उसने आपके पिता की दौलत तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी बनाया और इसके लिए माया को हटा दिया रास्ते से, खत्म कर दिया उसे, और साथ ही उस बच्चे को भी जो क्या वो माया से प्यार करता था। पहले मैं यही समझता था, मगर इंद्राणी जी वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो सिर्फ दूसरों के प्यार का इस्तेमाल करता है ऊपर चढ़ने के लिए, सिर्फ इस्तेमाल। मेरे प्यारे भैया, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी बहन से कैसे भूल हो गई है, पर इसमें प्रताप का कोई कसूर नहीं है भैया, कसूर सिर्फ मेरा है। फिर भी मैं प्रताप से प्रार्थना करने जा रही हूँ कि वो मुझसे प्यार कर ले ताकि मैं तुम्हें अपना मुंह दिखा सकूँ। अगर प्रताप ने मुझे स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। मेरी लाश को पहचानना भी मत, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकलेगा कि मैं मां बनने वाली थी। प्रताप को मेरी गलती की सजा मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बहन माया। नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर जोशी। यस योर ऑनर। मुल्जिम ने जो कल अपने जुर्म का इकबाल किया था उसके बारे में आप इस गवाह से और कुछ पूछना चाहते हैं? गवाह से कुछ नहीं पूछना योर ऑनर, लेकिन मुल्जिम के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि एक शरीफ इंसान है। इन्होंने कल जो कुछ कहा था अपने बेगैरत दोस्त और उसकी आवारा बहन को जिल्लत से बचाने के लिए कहा था। न मैं बेगैरत हूँ वकील साहब, और न मेरी बहन आवारा थी। इस आदमी ने वो काम किया है जो किसी दोस्त को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जुर्म इसने नहीं किया मैं इसे उसकी सजा दिलवाने में वकील सरकार की मदद नहीं कर सकता। प्रताप ने माया का खून नहीं किया। वकील साहब, अब अपना बयान देने के लिए मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। Think what you're saying. I know what I'm saying, वकील साहब। माया का ये खत मुझे कल रात ही मिला। ये खत फटा कैसे? मैंने ही फाड़ा और मैंने ही जोड़ा भी। फाड़ा इसलिए कि मैं प्रताप को कभी माफ नहीं कर सकता, और
बाद में जोड़ा इसलिए कि अगर उसे माफ नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे एक ऐसे जुर्म के लिए फांसी चढ़ जाने दूं जो उसने किया ही नहीं। जज साहब, माया ने इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रताप को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं मालूम था और जो कुछ हुआ उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी माया पर ही है। योर ऑनर, मिस्टर गोपाल माथुर के बयान और महादेवी इस खत से यह साबित होता है कि महादेवी की मौत एक एक्सीडेंट के सिवा कुछ नहीं। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुल्जिम को रिहा किया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पर अच्छी तरह गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि माया देवी की मौत एक एक्सीडेंट था, इसलिए मुलजिम प्रताप कुमार श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी किया जाता है। इस अदालत में मुझे माफ कर दिया गोपाल, लेकिन हम दोनों की अपनी एक अदालत है जो अभी खत्म नहीं हुई। वहां भी अगर तूने मुझे माफ नहीं किया गोपाल, माफ कर देना भाई, मुझे माफ कर। गोपाल भैया, तुम्हारी बहन की जगह तो नहीं ले सकती है, पर कोशिश तो कर सकती हो। चलो प्रताप, घर चलो। घर? हाँ, पहले तो चाहे तुम्हें छोड़ भी देती है, पर जो आदमी भारी अदालत में यह कहने की हिम्मत रखता है कि अगर उसे प्रेगनेंसी की खबर होती और वो माया से प्यार ना करने के बावजूद भी उससे शादी कर लेता, वो आदमी छोड़ने के लायक नहीं होता। इंद्राणी, चलो प्रताप, चलो गोपाल भैया।